अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमल हाशमी। सियासी तौर पर मुआशरों की कई इकसाम पाई जाती हैं। सियासी तौर पर मुतहरक मुआशरे, बेहस मुआशरे, लाइल मुआशरे और मुर्दा मुआशरे। आज के प्रोग्राम में हमारे मुआशरे के सियासी हालात बनाम सरकार। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है पंजाब के? जी क्यों नहीं पता? कौन है? शौकत तरीन साहब है। पंजाब के? पंजाब के, पंजाब के तो नाम नहीं पता हमें, तो वफाकी वजीर का पता ज्यादातर। किसी तीन मिनिस्टर्स के नाम बता दे पंजाब के। किसके बताऊँ, वजीर आला पंजाबी उस्मान बुज़दार है। हाँ जी। और मियां असलम इकबाल है जो वजीर सनत पंजाब है। सरदार उस्मान बुज़दार ने कोई तीन काम किए हैं लाहौर में जो आपको बड़े पसंद? अभी तक तो कोई भी नहीं है, अभी तक तो कोई ऐसा नजर भी नहीं आया। ये जो मियाँ साहब के मुआहदे थे, जो एग्रीमेंट थे, वही पूरे हो रहे हैं और ये हुकूमत करती ही है, वही पूरे कर रही है। इसके अलावा तो उस्मान बुज़दार का कोई काम नहीं है। जब भी कभी क्या कहते हैं कोई हॉस्पिटल में कोई ऐसा सानिया भी हुआ है तो मेरे ख्याल से उस्मान बुज़दार नहीं पहुंचा, वहाँ पे कोई गवर्नेंस नज़र नहीं आई। सानिया मरी, कितना बड़ा वाक्य हुआ है, जब बंदे मरे हैं उस वक्त गवर्नमेंट को होश आई है, जब मीडिया ने आप लोगों ने उछाला इस बात को तो फिर उनको पता चला कि भाई ये यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नाम की कोई मौजूद है। अब मुअत्तल करने से जिंदगियाँ तो वापस नहीं आ जाएंगी, वो तो फिर साल बाद जाके दूसरी गवर्नमेंट उनको लगा देगी। बिल्कुल सही। लेकिन उसका अजाला कैसे मुमकिन होगा, उसका अजाला कैसे पूरा किया जा सकता है, तो ये भी तो बताए ना आप इस चीज़ का। बिल्कुल ठीक, मतलब आपको लग रहा है पंजाब हुकूमत काम नहीं? जी बिल्कुल जीरो, बड़ा 0% है, उनको पता नहीं है। और सिर्फ एक बात और कहना चाहूँगा कि उस्मान बुज़दार जो है ना, एक डिमी बंदा बिठाया हुआ है, वज़ीर आज़म ने उनको फ़ोन करना है तो फिर जाके उन्होंने करना। हाँ मुझे ये भी काम करना याद आया है, ये उस्मान बुज़दार की खासियत है कि जब वज़ीर आज़म का फ़ोन आता है ये खासियत है, क्योंकि आपने मुझे कारकर्दगी पूछा, इसकी परफॉर्मेंस ये है कि उसको फोन आया वज़ीर आज़म का और उसको याद है कि हाँ यार मैंने ये भी काम कर। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। वो गवर्नमेंट 0/0। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। हेल्थ मिनिस्टर कौन है? हेल्थ मिनिस्टर वो है डॉक्टर यासमीन राशिद। एजुकेशन मिनिस्टर? एजुकेशन मिनिस्टर है वजीर शफकत महमूद साहब हैं। वो तो फेडरल के हैं, पंजाब के? पंजाब के, पंजाब के मुराद रास हैं। मुराद रास साहब हैं, आपकी बड़ी इन्फॉर्मेशन है वैसे सियासत के अंदर। बदकिस्मती से सियासत के अंदर नहीं है मेरा, मैं बदकिस्मती से पीटीआई का सपोर्टर हूं। आप सपोर्टर हैं? लॉ मिनिस्टर कौन है? लॉ मिनिस्टर वो है क्या इनके, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, ये आए दिन तो इनके वज़रा तब्दील होते रहते हैं। अब मैं बिजनेस करता हूं, कोई ये सियासत को करता नहीं हूं। तिजारत का मिनिस्टर बता दें कौन है? हमाद अज़र? नहीं, हमाद अज़र फेडरल के मिनिस्टर, वो फेडरल के मिनिस्टर है, सनत तिजारत नहीं है। सनत तिजारत कौन है पंजाब में? फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? मुझे, मैं आपको मैं वही कह रहा हूँ, इनके वज़रा तब्दील होते हैं, मैं अभी इतना फोकस नहीं करता ना, मैं न्यूज़ में तब्दीली समझ नहीं आ रही, हमारे दिमाग तब्दील कर दिए हैं, वो वजीर पे वजीर तब्दील कर रहे हैं, मुल्क का कुछ नहीं सोच रहे, बस आए दिन कभी वो पुलिस के अफसरान चेंज करते हैं और ये सियासतदानों के अहदे चेंज करते रहते हैं, पागल बनाया हुआ है इमरान खान साहब ने। आपने जिक्र किया डी सी लाहौर, कौन है डी सी लाहौर थे? ये कैप्टन, क्या नाम है भूल गया मैं, कैप्टन थे जो बड़ी देर रहे हैं, अभी भी हैं, वो चले गए। नहीं कोई पता। कमिश्नर लाहौर कौन है? तो नहीं पता। आईजी पंजाब कौन है? वो भी नहीं पता। नहीं पता, ये तब्दीली एक बंदे का पता है जो बदला नहीं है, वो है उस्मान बुज़दार, जो आज तक ना बदलना है और ना बदलना है, क्यों वो एक डम्मी वजीर आला उन्होंने रखा हुआ है, जो जिसको बेचारे को खुद नहीं पता मैं वजीर आला हूँ। कोई वजीर अच्छा काम करेगा ना तो हम उनका ज़ेन नशीन हो जाएगा। अब इमरान खान साहब की वो जो बड़े बड़े वो दावे और बातें थी ना, वो याद है, वो नहीं भूलती, उसको देख के मैंने वोट इमरान खान को डाला था, मैंने कभी वोट नहीं किसी को दिया था, और मैं उसकी सपोर्ट में निकला था, मैं अपनी फैमिली को कहा वोट दे, लेकिन हमें क्या पता था कि ना हमारा ही बेड़ा गर्क करना, हमारा ही बेड़ा गर्क कर देना। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। हेल्थ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर यासमीन, वही है ना? हाँ जी वही जी। प्रिजन का मिनिस्टर कौन है? प्रिजन जेल खाना जा, नहीं उनका नहीं पता, उनका नहीं पता। एजुकेशन मिनिस्टर? उनको भी नहीं पता। सॉरी। वजीर खजाना? नहीं सॉरी, नहीं पता। क्यों नहीं पता वैसे, ये तो हमारे सियासतदान है, हमारे लिए काम करते हैं, काम में मसरूफ़ हैं अपने, हमें इतनी फुर्सत ही नहीं है इन चीज़ों को बात बात करने। सलाम अलैकुम भाई, एजुकेशन मिनिस्टर पता है कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर का नहीं पता। सनत और तिजारत? नहीं पता। खजाना? शौकत तरीन। फेडरल के हैं वो? पंजाब के? पंजाब का नहीं पता। स्पीकर पंजाब असेंबली? परवेज इलाही। परवेज इलाही साहब, परवेज इलाही साहब का नाम आपको पता है? वो अखबार में पढ़ते रहते हैं ना अक्सर, काम शाम भी करते रहते थे जब वो वज़ीर आला जी जी, बाकी वो काम करते थे। किसी एक मिनिस्टर का नाम पंजाब की कैबिनेट से जो आपको पता हो?
उस्मान बुज़दार के पता वज़ीर आला पंजाब का पता है। उस्मान बुज़दार साहब बड़े फेमस है वैसे, लोगों का नाम पता है। किस बात से फेमस है? अच्छे बंदे हैं, मुझे तो अच्छे लगते हैं। आपको अच्छे लगते हैं, चलें उस्मान बुज़दार साहब की, बुज़दार साहब आपके सपोर्टर मिल गए हैं, कोई दो अच्छी बातें बता दें। मैं रिसेंटली बताता हूँ, जो उन्होंने ये साना मरी जो हुआ है उसमें उन्होंने 15 बंदों को फारग किया है और बहुत जल्दी यानी कि है। लेकिन उनसे ये दरख्वास्त है कि जो वहाँ के जो मकामी अफराद हैं, जो होटल मालकान हैं, उन पर एक्शन लेना चाहिए था उन्हें, ना कि उन्होंने जो ब्यूरोक्रेट्स को पे एक्शन लिया है उन पर भी एक्शन लेना चाहिए था, जो असल फिर बनता था मसला। बहरहाल उन्होंने जितना किया, उनको जितना समझ आया, अच्छा किया काम, अच्छा किया काम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कौन है हमारा विफाक का? हमारे सारे मिनिस्टर हैं जी। सारे मिनिस्टर, सारे हैं? मिनिस्टर, सारे ही मिनिस्टर, सारे ही। अपने आप में मिनिस्टर है या सच में मिनिस्टर? नहीं नहीं, अपने आप ही। ये क्यों कहा आपने? ये इसलिए कहा है महंगाई के हिसाब से। लेकिन चले भाई, आप किसी एक मिनिस्टर का नाम बता दें, मुझे बता दें जिनका आपको पता हो, सरदार उस्मान बुज़दार के अलावा। नहीं, ये मैं किसी का नहीं पता, किसी का भी नहीं पता, कोई दिलचस्पी नहीं। आपने जवाब दे दिया कि सारे मिनिस्टर हैं, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच भाई आपका। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? मुझे नहीं पता। नहीं पता। हेल्थ मिनिस्टर? किसी का नहीं पता। क्यों? मैं तो ये पता है कि इमरान खान साहब जब से आए हैं ना, तो सारे काम खत्म हो गए हैं, सारे काम खत्म, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। इतनी बड़ी कैबिनेट है उनकी, इतने मशीर है, कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसी को पता है करना क्या है? गरीब को रोटी कैसे खिलानी है, महंगाई का कंट्रोल कैसे करना है? महंगाई, गरीब 3 वक्त से 1 वक्त पे आ गया है, उसका पता लिया किसी ने? नहीं। वो कहते हैं जो बेसिक काम है, एहसास राशन प्रोग्राम शुरू किया, कागजी है, प्रोग्राम शुरू किया, शेल्टर होम्स बना दिए, सिर्फ कागजी। अब मैं आपको यहाँ पे एक पेज रखता हूँ, उसके ऊपर लिख देता हूँ पाकिस्तान आपका है, तो आपका हो जाएगा? ये नहीं है। जब तक मेरी बात सुने, जब तक इस पे अमल नहीं होता, आप कागजी पहाड़ बना सकते हैं, मैं इस प्लाजे का मालिक हूँ, कागजी आप मान लेंगे? नहीं। जब तक आप उस पे वर्किंग नहीं होगी, उसका कोई प्रैक्टिकल का फायदा ही नहीं है। बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ बातें करने की और कुछ भी नहीं। अच्छा, जो बातें करते हैं उन्हें मुझे बता दें, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर कहते हैं हमारी जान छोड़ दे, चले जाए हमसे, हम इनको देखना भी पसंद नहीं करते। अच्छा, हाँ, हम इनको देखना भी पसंद नहीं करते। हम जब ये उनकी खबरें पे वज़ीर आज़म साहब आते हैं, हम टीवी बंद कर देते हैं। अच्छा, क्या आपने इसकी शक्ल नहीं देख रहे? कोई एक तो होगा ना जो काम करे, किसी एक का नाम बता दें, कोई एक मिनिस्टर जो आपको इसमें है? सारे वो जो लोगों के निकाले हुए और दूसरी पार्टी से, वो इकट्ठे हैं, वो इकट्ठे हुए हैं, वो इन्होंने क्या करना, वो पहले नहीं कुछ करता गया, अभी क्या करेंगे? वफाकी वजीर इत्तला'आत का नाम बता दें। फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब। वजीर दाखिला कौन है वफाकी? नहीं, मुझे इतना, हमें यहाँ पे अपने काम से मतलब होता है, इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो हमें पता है वही हमने आपको बताना है। कुरैशी साहब है। कौन है? शाह महमूद कुरैशी साहब। वो तो खारजा के है ना। दाखला कौन है? पता होगा आपको, पता होगा आपको, शेख रशीद है। वाह जी, चाचा जी आपने तो सही बता दिया। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? वजीर खजाना कौन है? बेसिक बात समझा, ठीक है। आप एक चैनल पे काम कर रही हैं, अगर आपकी जो जगह है उसको, उस जगह पे हर हफ्ते बंदा चेंज हो, तो किसी को क्या पता होगा कौन है, पिछला कौन था, अब इस महीने कोई है, अगले महीने कोई है, अब 10 बंदे हैं, 10 लादा नाम लेंगे, तब्दीली, पिछले हफ्ते कोई था, अगले हफ्ते कोई है। अच्छा भाई, मुझे आप बताओ ना, वजीर आला पंजाब का नाम बता दो, सबसे आसान सवाल पूछा, वजीर आला पंजाब का नाम बता दो। मैं काम करता हूँ, काम करके घर जाता हूँ। उस्मान गुजार, आपको पता है, आपको वजीर आला का नाम भी पता है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। वजीर आला पंजाब का नाम आता है? नहीं जी। नहीं आता? नहीं जी। बताना नहीं है, ये आता नहीं है, तो हमने क्या बताना है आपको? आपको आता है वजीर आला का नाम? वजीर आला उस्मान गुजार। इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर? नहीं पता, नहीं पता। शेख रशीद क्या है? रेलवे में थे पहले, अब पता नहीं कहाँ है, अब दाखला में आ गए। एजुकेशन मिनिस्टर का नाम आता है? नहीं। हेल्थ मिनिस्टर का? नहीं। लोकल बॉडीज का? नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब? नहीं पता। किसी का नाम नहीं आता? क्यों? पता ही नहीं, कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया। इसलिए हमें नाम नहीं आते, नॉन लीग की हुकूमत होगी, हमें नाम आएंगे। पता था आपको नॉन लीग की हुकूमत? 2018 में वज़ीर आला कौन था? हाँ जी, शहबाज से आया था। कौन था? शहबाज, उसका भाई। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। चीफ मिनिस्टर पंजाब का नाम? चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार। पूरा नाम बता? सरदार उस्मान बुज़दार ही। सरदार उस्मान बुज़दार। हेल्थ मिनिस्टर कौन है? हेल्थ मिनिस्टर आई डोंट नो। एजुकेशन मिनिस्टर? मुराद शफकत महमूद या मुराद रासा, तकरीबन दोनों ही है, एक फेडरल के एक सूबाई है। वज़ीर आला पंजाब ने पिछले 3 सालों में लाहौर में कोई 3 काम बता दें जो किए हैं।
काम तो उन्होंने वही करने हैं जो पिछली हुकूमतों ने छोड़े हुए हैं, और वो कर रहे हैं जो अपने हिसाब से, उसकी कोई समझ नहीं आती कि कर क्या रहे हैं। समझ नहीं आती आपको? मैं नहीं समझ आई उसकी। 2018 से पहले चीफ मिनिस्टर कौन था? वो तो यार सर शहबाज शरीफ थे। अगर आप उनका काम जो था वो तो अपने हिसाब से उन्होंने पंजाब को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ था। आप देख रहे मैनेजमेंट तो के हिसाब से पंजाब को इस वक्त किसी तरीके से वो लेवल नहीं मिला जो उस वक्त था। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच जी। आए कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे जाने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मिनिस्टर सनअत और तिजारत कौन है? नहीं पता। प्रिजन का मिनिस्टर कौन है? किसका? प्रिजन का, जेल खाना जात का। हेल्थ मिनिस्टर कौन है? यास्मीन राशिद। बिल्कुल सही। कोई फेवरेट मिनिस्टर जो इस हुकूमत में आपके काम कर रहा हो? इनकी हुकूमत में कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है? क्यों? सब नकार हैं। क्यों? कोई भी काम नहीं करता, सुस्ती नाहली इन सब इनमें शामिल है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वज़ीर आला पंजाब का नाम क्या है पता है आपको? वोट डाला था आपने 2018 में? नहीं डाला था, वोट ही नहीं डाला। अच्छा था, किया तो नहीं डाला। क्यों? हालात देखें पाकिस्तान के, बेहतरी की है। बेहतर है, नहीं डाला था? उससे पहले हालात बेहतर थे? उस वक्त भी सही थे, अच्छे नहीं थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गए हालात। बिल्कुल ही खत्म हो गया। सियासत में आपको कोई दिलचस्पी नहीं है? नहीं। इमरान खान साहब की हुकूमत है ये भी नहीं पता? यही तो अफसोस है। ये अफसोस है आपको? क्यों? अच्छी हुकूमत नहीं है। अच्छी हुकूमत नहीं है। बहुत शुक्रिया मैम आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन बड़ी हैरानी की बात है, लाहौर जैसा मेट्रोपॉलिटन सिटी, पंजाब का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी, पढ़े लिखे लोग, चलता कारोबार, सियासत में अपना शऊर रखने वाले लोग, बेसिक मिनिस्ट्रीज़ के नाम नहीं पता, बेसिक लोगों के नाम नहीं पता। लेकिन एक शख्स ने जो बात की कि तब्दीली इतनी ज़्यादा आ रही है, इतनी ज़्यादा रोटेशन है, इतने सारे नाम तब्दील होते हैं, वो चाहे मिनिस्टर्स के हों या अफसरान के हों, वो जिसे कहते हैं ना कीपिंग टैब्स, मुश्किल हो जाता है, याद ही नहीं रहता कौन किस मिनिस्ट्री में है। और हमने इतने सारे लोगों से बात की और आगे भी बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ पर मैं बड़ी हैरान हुई हूँ और बड़ी मुझे जो है ना हैरान, खुशी वाली हैरानगी है ये कि वज़ीर आला पंजाब का सबको पता है, सरदार उस्मान गुज़दार पूरा नाम तो लिया जा रहा है, लेकिन उनके कामों से आवाम थोड़ी नाखुश नज़र आ रही है। सो सिर्फ नाम बनाना होता है या एक्चुअली काम भी करना होता है, ये सवाल तो सरकारी जवाब दे सकती है। लेकिन बहरहाल आएँ कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं जो अहम मिनिस्ट्रीज़ हैं, उसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, फाइनेंस है, जो एक आम आदमी को मुतासर कर सकती है, क्या उन मिनिस्ट्रियों को चलाने वाले लोगों के नाम पता ही नहीं? बेसिक इन्फॉर्मेशन और सियासी शऊर चेक कर रहे हैं हम लाहौरियों का, और मैं सबसे कॉमन मिनिस्ट्रीज जो हैं उनके बारे में पूछ रही हूँ जो अक्सर लोगों को पता ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई आपको पता है एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब कौन है? नहीं। फवाद चौधरी साहब कौन है? फवाद चौधरी सुना हुआ है नाम भी। सुना हुआ है? हाँ जी। कभी नहीं देखा उनको? बहुत कम देखा। वजीर आजम कौन है? इमरान खान। वजीर आला पंजाब कौन है? उस्मान बुज़ार है मेरे ख्याल से। आपके ख्याल से? हाँ जी। कभी देखा है? नहीं, पता ही नहीं है उसको। कभी नहीं देखा? टीवी नहीं देखते आप वैसे? बहुत कम, लेकिन टीवी देखते हैं वो बहुत कम आते हैं। वो बहुत कम आते हैं, क्या वजह वैसे? ये तो गवर्नमेंट को पता होगा। कल आए थे, कल देखा था मैंने टीवी में कि उस्मान बुज़ार के बारे में स्लेट चल रही थी कि उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया कोई मड़ी के बारे में, लेकिन उसके बाद वो कह रहे थे कि साफियों के लिए उन्होंने सवाल जवाब, यानी कि होता है ना कोई साफियों के लिए होता है, वो नहीं किया था उन्होंने, कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं की थी, उसका जवाब नहीं दिया। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। वज़ीर आला पंजाब कौन है? उस्मान बुज़दार। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? उनका नहीं पता। शेख रशीद साहब क्या है? वो मेरा ख्याल पहले तो रेलवे थे, अब पता नहीं कौन से वजीर है। फवाद चौधरी साहब क्या है? फवाद चौधरी, उसका भी नहीं पता। डॉक्टर यास्मीन राशिद? डॉक्टर यास्मीन राशिद है महकमे हेल्थ में। हेल्थ में, हेल्थ मिनिस्टर है वो। हेल्थ मिनिस्टर है। हमारे पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर का पता कौन है? नहीं, उसका भी नहीं पता। सनअत और तिजारत के मिनिस्टर कौन है? नहीं, उसका भी नहीं पता। उसका भी नहीं पता, क्यों नहीं पता? वैसे हमारी हुकूमत है, हमारे लिए आए हैं मिनिस्टर, पूरी कैबिनेट जो है वो हमारे मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं ना हमारे लिए। ऐसे ही है, नहीं हमें पता ही नहीं है, कभी देखा नहीं टीवी, कभी देखा ही नहीं। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं? सर वज़ीर आला पंजाब का नाम बताएंगे? जी उस्मान बुज़दार साहब नाम है जी उनका। प्लीज जी जी, और कैसे लगते हैं आपको? बस ठीक है, सो 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 सो। ये हेल्थ मिनिस्टर का पता है? नो, आई डोंट नो प्लीज हिज नेम। और किसी का नाम नहीं पता आपको? अरे मौजूदा कैबिनेट किसी का नाम नहीं है। क्यों? मैंने 12 काम पढ़ना छोड़ दिया। छोड़ दिया हुआ है? क्या वजह हुई?
उसमें आवाम के लिए कोई खबर नहीं है प्लीज। आवाम के लिए कोई खबर ही नहीं है? तीन साल से अवामी हुकूमत चल रही है सर जी। नहीं मुझे नहीं पता अवामी गवर्नमेंट है या कौन सी गवर्नमेंट है। कुछ नहीं है लग रहे आप? कुछ नहीं लग रहे प्लीज। बहुत शुक्रिया जी आपका। वजीर आला कौन है? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ? नवाज शरीफ वजीर आला? वजीर आला पंजाब का नाम? उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार। फाइनेंस मिनिस्टर? नहीं पता। हेल्थ मिनिस्टर? हेल्थ मिनिस्टर हैं जी डॉक्टर यास्मीन अर्शद। एजुकेशन मिनिस्टर? नहीं नहीं आईडिया। नहीं पता? नहीं आईडिया। फवाद चौधरी साहब कौन है? वो विद्रे टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी है? उनको छोड़े हुए कब, कितना टाइम हो गया, चेंज हो गए हैं वो? बस उनको हुकूमत छोड़ ही देनी चाहिए। हुकूमत छोड़ देनी चाहिए? हमारी जान छोड़े हैं यहाँ पे तो बहुत ही मुश्किलात पैदा कर दी उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? नहीं हमें नहीं पता। इस हुकूमत में कोई दो मिनिस्टर्स के नाम बता दें। उस्मान बुज़दार के वजीर आला पंजाब। बस उस्मान बुज़दार वजीर आला पंजाब। ठीक है जी बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कोई दो मिनिस्टर्स के नाम बता दें इस हुकूमत की, कोई दो वजीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से। अलीम खान है या जहांगीर तरीन है? जहांगीर तरीन तो मिनिस्टर नहीं है। वजीर आला पंजाब कौन है? उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार साहब काफ़ी फेमस है, एवरीबडी नोज हिज नेम। ये तो बड़ा ज़बरदस्त चीज़ हो गई जी। फाइनेंस मिनिस्टर बता दें। फवाद चौधरी साहब क्या है? वो पहले तो तर्जमान वजीर थे इनके। अच्छा अभी क्या है? अभी का नहीं पता। अभी नहीं पता, अभी का नहीं पता जी, अभी का नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम जी। शेख रशीद साहब के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? वो वज़ीरे दाखला हैं। वज़ीरे दाखला हैं। फवाद चौधरी साहब? वो वज़ीरे इंफॉर्मेशन। शौकत तरीन साहब? शौकत तरीन वज़ीरे खजाना। वज़ीरे खजाना। मुराद राज साहब कौन है? मुराद राज साहब, डॉक्टर मुराद राज। वो पंजाब के हैं। वो पंजाब के हैं? नहीं उसके नहीं पता। उसका नहीं पता। पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर का नाम आता है? वो है लेडीज, वो के नाम है यास्मीन, डॉक्टर यास्मीन राशिद। यस यस। आपको बड़ा नाम पता है मिनिस्टर्स का, बड़े वैल्यू फॉर्म है, बड़े लोगों को पता ही नहीं है, ये जाहिल है सर। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। वज़ीर आला पंजाब कौन है? वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। पसंद है आपको जी? वो शहबाज शरीफ सोना था और ये मिट्टी है। मिट्टी है क्यों? बस आपने देखा है कि उसकी बात कैसे चलती थी और आप ये क्या क्या अमल करते हैं, ये बांधा हुआ है। अच्छा बांधा हुआ है। किसी का है? मुझे बताएं वजीर खजाना कौन है? हाँ वजीर खजाना शौकत तरीन। शौकत तरीन है। फवाद चौधरी साहब कौन है? फवाद चौधरी साहब वो है कि जिसको हुकूमत हो उसके साथ चलता है। मिनिस्ट्री कौन सी है उनके पास? मिनिस्ट्री कौन सी है उनके पास? मेरा ख्याल में ये खबरें देने इत्तलात की। शेख रशीद साहब क्या हैं? शेख रशीद साहब जिसकी शादी है उस पे नहीं, नहीं, मिनिस्ट्री कौन सी है चाचा जी? मैं कहता हूँ जो से लोग किस तरह देने हो दसो ना, तो मिनिस्ट्री के लिए उसके पास मिनिस्ट्री मेरा ख्याल में उस वाली है अपने दाखिला की है। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारे वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब पसंद है आपको? पसंद था लेकिन अब जो अमल किया है ना लोग सब लोगों ने नापसंद कर दिया। नापसंद कर क्योंकि गरीबों का लोगों को महंगाई के साथ वास्ता, जो महंगाई जो लोग करते हैं गरीब उसको कहाँ पसंद करते हैं? दुनिया में बड़ी महंगाई है, मैं क्या करूँ? दुनिया के साथ हम तो नहीं रहते, हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान की बात करनी, दुनिया से उसने वोट ली है कि पाकिस्तान से लिए है उसने वोट? दुनिया से नहीं वोट ली है, पाकिस्तान से वोट ली है। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? बदलते रहती है मिनिस्ट्री आने की रोज इनकी ना। अच्छा पता नहीं मुश्किल होता है, याद मुश्किल होता है। एक साल में तकरीबन 14 मिनिस्ट्रियाँ चेंज करती हैं। अच्छा तो 30 हो गई, कोई भी नहीं याद पूरी कैबिनेट में से किसी का नाम याद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। हेल्थ मिनिस्टर कौन है? हेल्थ यास्मीन राशिद। यास्मीन राशिद है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है पंजाब के? पंजाब का आई डोंट नो। हाशिम जमा बख्श साहब का नाम सुना? नहीं सुना ही नहीं है नाम कभी। नहीं पास नहीं नजर से गुजरा। फयाजुल हसन चौहान साहब का नाम सुना जी? वो उनके पास आजकल कौन सी मिनिस्ट्री है? पहले तो इन्फॉर्मेशन थी, अब तो पता नहीं कौन सी। अब नहीं पता। फेडरल में इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर कौन है? पता नहीं मेरे जहन में नहीं आ रहा, जहन से निकल गया। शेख रशीद साहब के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? कोई इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन है नहीं, दाखिला के हैं। दाखिला के हैं। हाँ खारजा के कौन है? क्या शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी साहब बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको इन्फॉर्मेशन है जी मिनिस्टर्स की, डिफरेंट मिनिस्टर्स की जी? है। अच्छा चले मुझे ये बताएं कि फिर हमारे पंजाब के प्रिजन के मिनिस्टर कौन है? किसके? जेल खाना जात के। जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान। फयाजुल हसन चौहान। एजुकेशन?
मुराद रास। फेडरल के? शफकत महमूद। शफकत महमूद। फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर? फाइनेंस मिनिस्टर शौकत अरीन। शौकत अरीन है। स्पीकर पंजाब असेंबली? परवेज इलाही। परवेज इलाही साहब। कोई तीन मिनिस्टर जो आपको बड़े पसंद हो? इस हुकूमत में फिलहाल तो कोई भी नहीं पसंद। फिलहाल तो कोई भी नहीं पसंद। नाम आपको सबके याद है? वो ऐसे पॉलिटिक्स में ज़रा शौक है। शौक है। सनत और तिजारत के कौन है? बड़ा मशहूर नाम है, बड़े वेल नोन सियासतदान है, बड़े अवामी किस्म के लीडर हैं वो, लाहौर के ही हैं। चलो एक की छूट दे देते हैं आपको, एक की छूट दे दी मैंने। हमाद अज़र साहब के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? हमाद अज़र के वज़ीर तवानाई। वज़ीर तवानाई है वो। शिबली फराज़ साहब क्या है आजकल? शिबली फराज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। बहुत शुक्रिया भाई, वेरी गुड, वेल डन। इस बच्चे को सारे नाम पता है। बड़े होकर सियासतदान तो नहीं बनना? जी सियासतदान बनना है। कौन सी हुकूमत ज्वाइन, कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है? PMLN। PMLN ज्वाइन करनी है। क्यों? नाम तो आपको सारे तरीके साफ के आते हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम चेयरमैन भी हैं। अच्छा जी, सारों के नाम याद रखे हैं। बहुत शुक्रिया भाई, बच्चे वेरी गुड, थैंक यू सो मच। फेडरल एनर्जी मिनिस्टर कौन है? मुझे नहीं पता। वज़ीर दाखला कौन है? हाँ वो तो शेख रसीद। इंफॉर्मेशन के कौन है? नहीं कंफर्म। नहीं कंफर्म। अच्छा जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कौन है फेडरल मिनिस्टर? वो तो उनको गए हुए, बड़ी देर हो गई है, छोड़ दी उन्होंने वो मिनिस्ट्री दूसरे मिनिस्टर। वो है मेरे हाल, वो क्या, शिबली फराज। शिबली फराज साहब हैं, बिल्कुल सही। आपको फवाद चौधरी साहब का नहीं पता? आपको इतने नाम आ रहे हैं, फवाद चौधरी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं सर। वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर? पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर? इन पर दिलचस्पी नहीं है। क्यों? काम देखे, मार्केट देखे, आप बड़े आराम से, ये सारा काम शाम ही कोई नहीं। काम शाम ही कोई नहीं। अगर हुकूमतें काम करें तो लोगों को नाम याद रहते हैं? बिल्कुल याद रहते हैं, फिर तो अच्छे अच्छे लोग होते हैं, अच्छे नाम याद रहते हैं। सर हेल्थ मिनिस्टर कौन है? हेल्थ मिनिस्टर ये है, क्या नाम है? नहीं पता। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है पंजाब का? पंजाब का एजुकेशन मिनिस्टर ये नहीं पता। नहीं पता। प्रिजन? प्रिजन का नहीं। ह्यूमन राइट्स? ह्यूमन राइट्स का भी नहीं पता। फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब? ये जो है शक्ल तो याद है, नाम भूल गया। स्पीकर पंजाब असेंबली? स्पीकर नाम से नहीं पता, नाम नहीं पता, शक्ल याद है, नाम से नहीं पता। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। लाहौर के ठंडे ठंडे मौसम में मैंने सोचा कुछ ठंडे ठंडे मीठे मीठे सवाल करें लोगों से और जाने उनसे कि उनकी सियासी वाबस्तगी और लोगों के नामों से वो कितना वाकिफ़ हैं। बड़े लोगों ने ये कहा कि ऐसे तब्दीली आई है अफसरान के नामों में पिछले 3 सालों में कि याद ही नहीं रहता किसके पास कौन सी मिनिस्ट्री है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के वज़ीर आला का नाम सबको पता है, सरदार उस्मान बुज़दार। एक साहब ने गुलजार कह दिया, लेकिन सरदार उस्मान बुज़दार ने और कुछ किया ना किया हो, अपने इन 3 सालों में अपना नाम ज़रूर बना लिया है। मतलब ये वो वज़ीर आला हैं जो सबके नाम पर, सबकी ज़बानों पर उनका नाम है। ये वो वज़ीर आला हैं कि सबको पता है कि पंजाब को जो हेड कर रहे हैं वो सरदार उस्मान बुज़दार कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर आज के सर्वे में जो नाम आया वो डॉक्टर यास्मीन राशिद का था, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा का। बहुत लोगों को पता है, नाम भी पता है, लेकिन जब काम पूछने पर आए तो लोग थोड़े मायूस नज़र आते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद इलेक्टेड तो नहीं है, सेलेक्टेड जब उन्हें कहते हैं वो थोड़ी सी नाराज़ हो जाती है, लेकिन ऑब्वियसली जीत कर तो वो नहीं आई। रिजर्व सीट से MPA बनने के बाद उनको मिनिस्ट्री तो मिल गई, लेकिन लोग उनको जानते हैं। दैट मीन्स कि उनकी पॉपुलैरिटी और उनकी शोहरत जो है वो लोगों में लाहौर में मौजूद है, और उनके अच्छे काम अगर होंगे और लोगों को उससे फ़ायदा पहुँचेगा तो उनका नाम और भी ऊपर जाएगा। उसके बाद फवाद चौधरी साहब, एवरीबडी नोज हिम। मिनिस्ट्रियाँ थोड़ी कन्फ्यूज़ कर जाते हैं लोग। शेख रशीद साहब का सबको पता है जी, मिनिस्ट्री थोड़ी आगे पीछे कर देते हैं, लेकिन आई विल से कि ये वो पॉपुलर नेम है जिनका लोगों को आइडिया है। इसके अलावा उनसे रिलेट, आवाम से रिलेटेड डिपार्टमेंट से क्यों ना हो, आवाम की खिदमत के लिए डिपार्टमेंट से क्यों ना हो, नाम नहीं पता जी उनको। वालेकुम सलाम। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? बाबर महमूद साहब। लॉ मिनिस्टर कौन है? लॉ मिनिस्टर है शबील लब्बा। ये कौन सा नाम ले रहे हैं? कौन सी मिनिस्ट्री है जो मुझे नहीं पता, कौन सी कैबिनेट है जिसके नाम मुझे नहीं पता? हेल्थ मिनिस्टर कौन है? हेल्थ का नहीं पता। एजुकेशन? एजुकेशन लोकल गवर्नमेंट। मिनिस्टर कौन है? लोकल गवर्नमेंट का बल्दियात के। बल्दियात के हमारे जो इधर पाकिस्तान के हैं, पंजाब के? हाँ पंजाब के। वो फवाद चौधरी साहब के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? वज़ीर दाखला की है। वज़ीर दाखला की है, तो शेख रशीद साहब क्या है? शेख रशीद रेलवे के। अच्छा रेलवे के हैं। शाह महमूद कुरैशी कौन है? शाह महमूद कुरैशी वो तो हमारे वो
वजीर आला पंजाब का नाम बता दो। उस्मान गुलजार। पक्की बात है ये नाम? हाँ जी। कहाँ पढ़ा आप? पढ़ा क्या, देखा है? देखा है, कहाँ देखा है? टीवी पे उस्मान गुलजार को, जो हमारे वजीर आला। उस्मान गुलजार को बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। मिनिस्टर का नाम बता दें। मुझे तो कुछ मालूम नहीं, हम तो खुद दुनिया में खोए हुए हैं, पता ही नहीं किधर है। वज़ीर आला पंजाब का नाम बता दें। इमरान खान साहब हैं। वज़ीर आला पंजाब? मुझे तो पता ही नहीं मैडम। नहीं पता जी, आपको नहीं पता? आपको पता वज़ीर आला पंजाब का नाम? नहीं पता जी, वज़ीर आला पंजाब का नाम नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई वज़ीर आला पंजाब का नाम पता है आपको? नहीं पता। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नाम? नहीं, किसी का नहीं। उसका नाम भी नहीं पता? खान साहब का नाम नहीं आता आपको? जानता ही नहीं उसे। हमारे पाकिस्तान को चला रहे हैं, वजीर आजम है। होगा, होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपको पता है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब के। ये अपना शफकत महमूद। वो तो फेडरल के, पंजाब के। पंजाब की है। अच्छा पंजाब के। हेल्थ मिनिस्टर कौन? कानू आप नहीं बता सकते। हेल्थ मिनिस्टर कौन है? ये डॉक्टर यास्मीन राशिद। डॉक्टर यास्मीन राशिद। अच्छा मुझे बताएं इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर कौन है? आईटी के फवाद चौधरी हैं वफाकी। और हमाद अज़हर साहब कौन है? वो इधर पंजाब के। हमाद अज़हर पंजाब के हैं? नहीं नहीं, वो हैं ये अभी पिछले दिनों वजारतें अब ऐसे चेंज होती हैं, जिस तरह बार बार एक गिलास से दूसरे गिलास में पानी डाल दें, किधर याद है? नाम नहीं याद रहता। शिबली फराज साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होते थे, आजकल कौन से मिनिस्टर हैं? आजकल तो फवाद चौधरी है मेरे ख्याल। इंफॉर्मेशन तो फवाद चौधरी है ना, शिबली फराज साहब कौन है? शिबली फराज साहब। शेख रशीद साहब। ये वज़ीरे खारजा। वज़ीरे खारजा? तो वज़ीरे दाखला कौन है? वज़ीरे दाखला शेख। वज़ीरे दाखला है। वज़ीरे खारजा कौन है? पता नहीं इसका। नहीं पता। सरदार उस्मान बुज़दार कौन है? वज़ीरे आला पंजाब। वज़ीरे आला पंजाब। खुश हैं आप उनसे? नहीं। नहीं खुश? क्यों? बात नहीं खुश। नहीं खुश। अच्छा भाई मैं थोड़ी सी आपकी करेक्शन कर दूँ, शफकत महमूद साहब वफाकी वज़ीरे तालीम है, पंजाब के डॉक्टर मुराद रास हैं। जो आप मुझे कह रहे थे ना कि आपको नहीं पता, मैं तो आपका टेस्ट ले रही थी लेकिन मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन है। बहुत शुक्रिया जी आपका। तैयब। वज़ीर आला पंजाब का नाम बताएं। उस्मान बुज़दार। फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब। फाइनेंस मिनिस्टर का नहीं आया। पंजाब के कोई तीन मिनिस्टर्स के नाम बता दें डेजिग्नेशन के साथ। एक वो है फयाजुल हसन चौहान, उनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? इंडस्ट्री की शायद है मिनिस्ट्री। अच्छा। और दूसरे वज़ीर सेहत है ये यास्मीन राशिद, और तीसरे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, दोनों ने बताया। एजुकेशन मिनिस्टर? एजुकेशन शफकत महमूद है शायद। फेडरल के हैं, पंजाब के। मुराद रास है शायद। डॉक्टर मुराद रास हैं, बिल्कुल सही। थोड़ी सी करेक्शन कर दूँ, सनत तजारत के असलम इकबाल साहब हैं। असलम इकबाल साहब हैं जी। बहुत शुक्रिया भाई आपका, आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? इमरान खान साहब। इमरान खान साहब हैं चीफ मिनिस्टर? फाइनेंस मिनिस्टर। खजाना? खजाना नहीं पता मुझे। नहीं पता? नहीं। वज़ीर आला पंजाब? उस्मान बुज़दार साहब। असद उमर साहब क्या है, वो नाम ले रहे थे भाई। असद उमर साहब है वज़ीरे खजाना। असद उमर साहब वज़ीरे खजाना है। उनको वज़ारत खजाना छोड़े हुए बड़ा टाइम हो गया। फवाद चौधरी साहब क्या है? नहीं पता उनका भी। हमाद अज़हर साहब लाहौर के? नहीं पता। शफकत महमूद साहब? नहीं। क्यों नहीं पता वैसे भाई? हमारे लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में लगे काम कर रहे हैं ना, हमारा उनके साथ तल्लक ही नहीं। हम उनकी वजारत को या उनको क्या करना है, हमें तो ये पता है कि चीफ मिनिस्टर साहब इमरान खान है। प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान जी, लेकिन वो नाम तो उनका बंदा लेता है जो अच्छे काम कर रहे हैं और जो आते हैं। हमें उनके साथ तल्लक ही नहीं, हमने अपनी रोजी रोटी कमानी है और बच्चों के लिए लेके जाना है। या तो वो कुछ अवाम के लिए कर रहे हो तो फिर बंदा न्यूज़ पे भी उनका नाम है, उनका नाम भी ले बंदा, उनका तो नाम लेना भी गुवारा नहीं है। नाम भी नहीं लिया जाता क्योंकि काम जो है वो नहीं कर रहे, और अगर काम करेंगे तो अवाम के लिए फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हालचाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर, हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और मुआशरे की सियासी शऊर और आगाही के बारे में बात कर रहे हैं। मैडम बात यह है कि जो नवाज शरीफ का दौर है कभी जिंदगी में दोबारा नहीं आ सकता। अच्छा, दुआ करे कि अल्लाह ताला इनसे जान छुड़ा दे। चले इनसे आपकी क्या मुराद है? मैं थोड़े से नाम आपसे पूछना चाहूंगी। फाइनेंस मिनिस्टर का नाम बताएं आपको। देखो जी मुझे सब मालूम है। अच्छा। मैं इमरान खान की बताता हूँ। अच्छा। मैं 2018 में जब दुबई में था तो 129 से 131 में डॉलर चला गया, तो इमरान खान ने कहा कि जब महंगाई हो जाए तो वजीर आजम चोर है। मैं ऐसे पूछता हूँ, आज 170 से भी ऊपर चला गया। 2018 में पेट्रोल 65 रुपए का था, आज 150 पे चला गया।
तो ये क्या अपने अवाम को जो है ना सहूलतें दे रहा है, ठीक है, ये कभी भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरह अवाम को सहूलतें नहीं दे सकता। अवाम को सहूलतें नहीं दे सकता सर। हम मैं वापस अपने टॉपिक की तरफ थोड़ा सा आना चाहूंगी जी। हेल्थ मिनिस्टर का नाम बता दे। मुझे नहीं मालूम। एजुकेशन मिनिस्टर मुझे नहीं मालूम, मैं बाहर होता हूँ, मैं अभी आया हूँ। अच्छा, मुझे इनके नाम का जरूरत ही नहीं है, क्या हमें इससे तवक्को नहीं है? काम करेंगे तो नाम याद रहेगा। नहीं बिल्कुल जी, ये क्या कर रहे हैं शहबाज शरीफ जो था, मैं ये दो मोरिया पुल जाए 3 साल हो गए उन लोगों ने उसको ना मुकम्मल करा। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ा खुश है मेरे से। कौन बोल रहा है खुश? अगर पाकिस्तान के नहीं है, ओवरसीज हैं तो फिर आप। मैं तो कैसे खुश हूँ उससे? ये बताओ कि मैं पहले 1,000 दरहम यहाँ पर चेंज करता था, मेरे बच्चे मजे करते थे, आज मैं 5,000 दरहम भेजता हूँ, मेरे बच्चों का पूरा नहीं होता। मेरे पास तो फिर भी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह दुबई में सेटल है 2018 से। अभी मैं गोल्ड लेने आया हूँ, जो 25,000 की अंगूठी थी आज वो 45,000 की मिली। तो ये आवाम को क्या कर रहे हैं? आवाम को इसने पीस लिया। अच्छा, मतलब ओवरसीज पाकिस्तानी जो दावा करते हैं मेरे से खुश हैं, वो भी खुश नहीं खुश हैं। मैं आपको बता दिए ना कि पहले जो मेरे पास 28 ड्राइवर है, एक ड्राइवर 1,000 दरहम भेजता था खुश था, आज वो 4,000 दरहम भेज रहे नहीं खुश। सही, लेकिन उसी वजह से जो हमारी रेमिटेंसेस बढ़ जाती हैं तो ये धनका करते हैं जी, देखें पाकिस्तान की तरक्की हो रही है, रेमिटेंसेस ज्यादा हो रही है। मैं आपको बोलता हूँ 3 साल में इसने दुमोरिया पुल नहीं बनाया, ठीक है। फिर अगर ये वाकई इतना इमरान खान सच्चा है तो शहबाज शरीफ ने जो ट्रेन बनाया उसके लिए इसने 3 साल का स्टे ऑर्डर लिया, उसी को जाके इफ्तिताह करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच जी। ये वो लोग हैं जिनके बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी मेरे से बड़ा खुश हैं, लेकिन लोग बार बार ये कह रहे हैं काम अच्छे करेंगे तो नाम भी याद रहेगा, वरना नाम याद रख के क्या फ़ायदा, रोज़ी रोटी कमानी है और वही करने आए हुए हैं। और इसी नोट पर ये है जी हमारे मुआशरे की सियासी आगाही, ये है लोगों का इंटरेस्ट हुकूमत में। हाँ, लोग ये ज़रूर डिमांड कर रहे हैं कि अगर हालात बेहतर हो गए, महंगाई कम हो गई, सिचुएशन अंडर कंट्रोल रही, वो चाहे एजुकेशन में है, हेल्थ में है, फाइनेंस की तरफ से है या किसी भी मिनिस्ट्री की तरफ से है, तो उस मिनिस्टर का नाम, उस हुकूमत का नाम ज़रूर याद रखा जाता है और उसके नारे भी लगाए जाते हैं।